हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। जैसे कि आज मेरे पास किट बैग है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम पैसे में कैसे अपना किट बैग ले सकते हो। बहुत भाइयों का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया 5000 के अंडर में किट बैग लेना है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम पैसे में आप किट बैग कैसे ले सकते हो, क्या क्या सामान लेना ज़रूरी है और कम से कम पैसे में। ये एक मेरे भाई का किट बैग है जो बिगनर एकेडमी में अभी स्टार्ट किया, एक साल हुआ उसको आए हुए, तो उसके बैग में क्या क्या है और आपको भी जैसे आप बिगनर हो अभी क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या क्या आपके किट बैग में भी होना चाहिए और कितने का सामान होना चाहिए जो आप कम से कम पैसे में ले सकते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा। और ये सभी सामान मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप अमेज़ोन से भी जाके मंगवा सकते हो। कुछ सामान इसमें ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही मंगाए थे अमेज़ोन से, वहाँ से भी जाके आप मंगवा सकते हो और पूरा डिटेल बताऊंगा सब कुछ। इसमें बैट भी है, हेलमेट है, सब कुछ है, पूरा आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किट बैग में होता है और कितने का होता है। आज मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। तो गाइज़ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बैट्समैन के लिए जिनको किट बैग अभी लेना है या लेने का सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ किट बैग के अंदर क्या क्या है। तो आइए गाइज़ अभी किट बैग ओपन करते हैं। सबसे पहले पैड, आप HD के पैड हैं, ये ऑनलाइन मंगाए थे, आप इनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगा सकते हो, आप कहीं भी क्रिकेट का स्टोर हो वहाँ से जाके ले सकते हैं। ये गाइज 1500 तक आपको मिल जाएंगे, ये 1200 के हैं, अभी ऊपर नीचे होता रहता है रेट, आपको 1500 तक कहीं भी मिल जाएंगे, 1200 से 15 तक। ये अच्छे किट बैग है, अगर इनसे भी आप थोड़े लोकल लोगे उनमें चोट लगने का खतरा उतना ही ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखें। ये हार्ड है, थोड़ा अच्छा है, आप 1200 से 15 तक इन पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज ग्लव्स आता है दूसरा, ये ग्लव्स 350 के हैं, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जिसके किट बैग है, पर धीरे धीरे अभी एक साल हो गया तो उसने दूसरे ग्लव्स ले लिए हैं, ये 1200 तक मिल जाएंगे आपको MRF के। ये 350 के अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये भी बेस्ट है, आप ये भी स्टार्टिंग में ले सकते हैं, क्योंकि आप जितना स्टार्टिंग में कम खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, तो इसलिए ये भी बेस्ट है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आपको अच्छा क्रिकेट आपको लगे, आपको अच्छा खेलना आ, तो आप ये ले सकते हैं। फिर बैट की बारी आती है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपको हमेशा स्टार्टिंग में कश्मीरी विल्लो बैट लेना चाहिए जब भी आप स्टार्ट करें, क्योंकि आपको भी सीखना है, आपको बैट बॉल लगाना, बैट बैटिंग टेक्निक सब सीखना है। स्टार्टिंग में आप महंगे बैट बिल्कुल भी मत ले, स्टार्टिंग में आप कश्मीरी विल्लो बैट ले सकते हैं। ये बैट 2100 का है, HD का, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, 2100 का है। मैं सबके आपको रेट बताऊंगा लास्ट में कितना रेट टोटल होगा किट बैग का, तो इसलिए वीडियो का पूरा देखना। तो ये अभी एक साल हो गया ना, तो अभी ये 4000 का बैट SS का लिया है, ये भी ले सकते हो, पर अभी स्टार्टिंग में आप अवॉइड करो तो इसको हम साइड में रख सकते हैं, जब आपको ज़्यादा टाइम हो जाए फिर आप ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप SG का ले सकते हो। फिर ये थाई पैड हमारी, ये 500 की है, आपको कहीं से मिल जाएगी, किसी भी ऑनलाइन से भी ले सकते हो, 500 के बीच में आपको थाई पैड आराम से मिल जाएगी। फिर हेलमेट, ये बहुत ज़रूरी है, इस हेलमेट आप ज़रूर ले स्टार्टिंग में, क्योंकि हेलमेट आपको चोट लगने से बचाएगा और आपको आदत भी हो जाएगी हेलमेट पहनने की। अगर सोच रहे हो आप हेलमेट के बिना काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये 800 तक आपको मिल जाएगा, SG का हेलमेट है, अच्छा हेलमेट है, कंफर्टेबल भी है, आप देख सकते हो, अच्छा आपको कंफर्टेबल होगा इससे। और ये गार्ड है, डबल गार्ड है गाइस, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया आप हमेशा डबल गार्ड लगाओ, क्योंकि एक गार्ड टूटने का थोड़ा खतरा रहता है, तो आप दो लगा सकते हैं, ये आपको 70 का एक मिल जाएगा, ये भी अच्छा है। और गाइस ये दूसरा आपका थाई है, आप दूसरा भी ले सकते हो, पहले आप इससे भी चला सकते हो, ये दूसरा इसलिए थोड़ा इससे हार्ड है, ये थोड़ा हल्का है, ये थोड़ा हार्ड है, आप एक से भी चला सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप खेलना स्टार्ट कर दो उसके बाद आप जैसे भी आपके पास पैसे इकट्ठा होंगे आप उसके बाद ले सकते हो, स्टार्टिंग में आप इससे भी चला सकते हो। अब आपको मैं बता दूं, ये किट बैग गाइस ये 1000 तक आपको कहीं मिल जाएगा, पर ये 1500 का किट बैग है, आप 1000 तक ले सकते हैं, किट बैग में कोई इशू नहीं है, सब सामान 1000 वाले किट बैग में मिल जाएगा। आप SG का भी ले सकते हैं, पर ये 1500 का थोड़ा बड़ा है, इसमें आप दो अपना पैड भी रख सकते हो, दो अपना बैट भी रख सकते हो, इसमें आराम से सामान आ जाएगा, दो तीन बैट आपके, दो तीन, देखो पूरा स्पेस है गाइस इसमें, आप ये भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं, तो गाइस 5 से 6000 आप मान सकते हैं सभी सामान का, आप ये बैट भी हटा सकते हो, स्टार्टिंग में आपको ये बैट भी लेना, ये सब सामान जो है बिगनर्स के लिए आप 6000 तक सब ले सकते हो, कोई आपको ज़्यादा इशू नहीं है, इससे ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बहुत बिगनर्स के क्वेश्चन आते हैं, भैया हमारा किट बैग इतना कॉस्टली होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 6000 तक आप ले सकते हो। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये भी एक भाई ने पूछा था कि भैया लोएस्ट प्राइस में 5000 के अंडर में किट बैग बताओ, तो मैंने 6000 के आपको अंडर में किट बैग बता दिया है। कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है क्रिकेटर विशाल, वहाँ पर आपसे कुछ सजेशन देना है, कुछ बात करनी है मुझसे, आप वहाँ पर मैसेज करो, मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ क्रिकेट की। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज।